कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे लड्डू गोपाल की कृपा से। देखिए, आज मैं बहुत ही प्यारा सा थालपोस लाई हूँ, तो अगर आपको मेरा ये थालपोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये मैं बताती हूँ आपको कि कितना बड़ा मैंने ये बनाया है। तो इस तरह से ये 11 इंच आ रहा है, ये 11 इंच का है थालपोस। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं यहाँ पे लटकन नहीं बनाई हूँ, अगर आपको लटकन बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, इसमें अच्छा दिखेगा। बनाने में बनाइएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो चलिए, अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो उसके पहले, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर थोड़ा सा भी आप मेरे चैनल से सीखते हैं कुछ भी, या ये वीडियो से आप कुछ भी सीखे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है, ठीक है? देखिए, ये थालपोस बनाने के लिए मैंने दो कलर लिया है। ये मेरा 2 प्लाई का पतला वाला ऊन है और मैंने क्रोशिया हुक ये 9 नंबर लिया है, ठीक है? एक सीजर भी चाहिए आपको। तो सबसे पहले मैं इससे मैरून कलर से मैं चेन बनाऊंगी। ये बहुत आसान है बनाना। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले इससे चेन बना लूंगी। टोटल मैं 6 चेन बनाऊंगी, ठीक है? देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद इसको सभी को हम एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा राउंड बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है? 3 बनाने के बाद ये देखिए, इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा 2 काउंट हो गया डबल क्रोशिया, ठीक है? और फिर उसके बाद फिर से इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमें कितना बार बनाना है, मुझे तो पता है फ्रेंड्स, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है? तो मैं बता देती हूँ आपको कितना बनाना है, क्योंकि मैं तो बताने के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? तो ये 4 मैंने बनाया है, ये 5, टोटल हम 24 यानी 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है? तो 24 में डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। ये देखिए, ये 24 मैंने बना लिया है। देखिए, अगर मैं 24 डबल क्रोशिया बनाते, अगर आपको पूरा दिखाती तो वीडियो कितना बड़ा हो जाता और आप भी बोर हो जाते, है ना, कि एक ही चीज़ को देख देख के हम बोर हो गए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बना लिया है 24, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 मैंने बनाया चेन, क्योंकि एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के लिए, ठीक है? फिर आप देखिए, 1 2 2 छोड़ के ये तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे वाले चेन में क्या बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, ठीक है? अब फिर से मैं यहाँ पे बनाऊंगी, देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है? 4 बनाने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये इसी तरह से हम पूरे राउंड बना लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने चेन बनाया था ना, इसी में हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है? 4 चेन बनाने के बाद इसी में हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? तो ये टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन हो गया हमारा, 1 डबल क्रोशिया का काउंट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1 और डबल क्रोशिया।
तो ये तीन डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब यहाँ पे दो चेन बनाएंगे और फिर से इसमें तीन डबल क्रोशिया, उसी में जिसमें मैंने चार चेन बनाया था ना उसी में हम टोटल छः डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे फिर से दो चेन बनाएंगे, ओ सॉरी दो चेन नहीं बनाना हमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि बिना चेन बनाए हम बगल वाले में फिर से छः डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे दो चेन के बाद। देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चेन बनाया, फिर उसके बाद फिर से तीन डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। फिर अगले राउंड में मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है, तो उसके पहले मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिर ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये जो चेन है इसी में हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम दोनों चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दोनों में स्लिप स्टिच करके ये जो बीच में हमने दो चेन बनाया था उसी में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पे फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा काउंट हो जाएगा डबल क्रोशिया। और फिर उसके बाद एक और हम बना लेंगे, तो दो और ये तीन हो गया। अब दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। थोड़ा सा हमारा कलर डार्क है तो इसलिए ब्लर आ रहा है वीडियो में। अब ये देखिए एक और बना लूँगी। मैं थोड़ा क्लीन करने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा। तो ये देखिए फिर यहाँ पे मैंने तीन इधर और दो चेन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दो चेन बना के और ये जो बीच का है इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर दो चेन बनाएंगे और फिर से इसमें हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक दो और ये तीन, ठीक है। तीन करने के बाद क्या करना है मैं तो बता दी थी आपको, देखिए फिर से मैं बताती हूँ, ठीक है। एक और ये दो चेन बनाना है, दो तीन डबल क्रोशिया करने के बाद। फिर उसके बाद फिर से हम दो चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ठीक है। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। दो चेन और बना के फिर इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर से दो चेन बनाएंगे। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। मैंने एक बार और बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या बनाना है, ठीक है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है फ्लावर, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, दो चेन बनानी है और आपको भी वही करना है, जो मैं बनाऊंगी वही आप भी बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, ठीक है। दो चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे भी हमें जॉइंट कर लेना। अब इसके बाद फिर से हम स्लिपर स्टिच करेंगे, एक और ये दो चेन है तो दो चेन में हम स्लिप स्टिच करके इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। दस चेन बनाने के बाद ये जो हमारा यहाँ पे दो का चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर यहाँ पे दस चेन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे।
तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर अगले राउंड में दिखा, ये देखिए अब ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसको मैं लास्ट वाले में इसी में जॉइंट कर लूँगी और एक चेन बना के इसको कट कर दूँगी, ठीक है। कट नहीं करेंगे, ये धागा रहने देंगे क्योंकि फिर से हमें चाहिए होगा, और अगर आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये वाला जो कलर है हमारा इसको जॉइंट करूँगी इसमें, और ये जो यहाँ पे है गांठ बांध दूँगी इसको, ठीक है। अच्छे से इसको गांठ बांध लेनी है। अब यहाँ से मैं इस तरह से इसको निकालूंगी और यहाँ पे चेन बना लेंगे, तीन चेन बनाएंगे, ठीक है। फिर इसी वाले में एक बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे, जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है उसी में दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो चेन हमारा है, 10 चेन मैंने बनाया ना, तो 10 चेन में हमें 10 डबल क्रोशिया कर लेनी है इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10, 10 चेन में हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेनी है इस तरह से। फिर इसके बाद जो हमारा यहाँ पे है ये सिंगल क्रोशिया, इसमें फिर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और ये दो, ठीक है। ये बीच में जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, और ये जो 10 का चेन है इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ये फिर यहाँ पे 10 चेन है, तो इसमें भी हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले राउंड में मैं दिखाती हूँ। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है, ये मैंने पूरे में बना लिया है 10-10 और बीच में दो डबल क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बनाऊँगी, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है ना फ्रेंड्स, आज बहुत ही गर्मी है। देखिए अब मैं यहाँ पर इसको जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार चेन बनाने के बाद देखिए एक दो, दो स्किप करके तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे और फिर से दो स्किप करके ये तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर दो चेन बनाएंगे, सॉरी तीन बनाएंगे और एक दो तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखा, ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं नीचे वाले चेन में एक चेन छोड़ के, चार मैंने बनाया था ना, तो एक चेन छोड़ के इस ऊपर वाले चेन में इसको स्लिपर स्टिच कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे चेन बनाऊँगी, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से दो और डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा, ये जो मैंने तीन चेन बनाया था इसमें देखिए सब में मैंने
तीन तीन चेन बनाया है, तो इस वाले में भी इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर ये दो डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे क्या करना है, एक चेन बनाना है, ठीक है, एक चेन बनानी है, फिर उसके बाद दो और डबल क्रोशिया बनाऊंगे, एक और ये दो। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा। एक बार और मैं दिखा देती हूँ, देखिए एक और ये दो, फिर एक चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक और ये दो। तो एक में हमें चार डबल क्रोशिया करनी है, ठीक है, इस तरह से। चलिए मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है पूरा राउंड। अब यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने जॉइंट कर लूँगी इसको। देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया था ना तीन चेन बना के, तो यहीं पे इसको मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन बना के इसको मैं कट कर लूँगी। अब कट करने के बाद जो मैंने यहाँ पे धागा छोड़ा था इसी को मैं ले लूँगी यहाँ पे, जहाँ से ये वाला दो चेन है ना, जहाँ पे एक चेन मैंने बनाया था, तो यहीं से हम इसको लेंगे, थोड़ा लूज जाने देंगे, ठीक है। ये देखिए एक दो तीन, तीन चेन बना लेंगे और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी में दो और डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक और ये दो, ठीक है। अब ये वाला दो यहाँ वाला और दो यहाँ वाला, और बीच में जो हमने एक चेन बनाया था इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में इसको स्किप करेंगे, चार चार डबल क्रोशिया को, ठीक है। फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर से दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से ये हम छोड़ देंगे और ये जहाँ एक चेन बनाए थे वहीं पे एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब फिर से मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए अब यहाँ से क्या करना है, ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए जहाँ पे हमने चेन एक बनाया था उसके बीच में ले जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से तीन चेन बनाएंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से दो डबल क्रोशिया और करेंगे, एक और दो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इस वाले में चेन हमें नहीं लेना है और इस वाले में बगल वाले में चार डबल क्रोशिया करनी है। दो डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बनानी है और फिर से दो डबल क्रोशिया करनी है, एक और ये दो। फिर से देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। इसमें मैंने चार किया, फिर इसमें अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी। तो ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है और एक राउंड और हम बनाएंगे इसके बाद। तो उस वाले राउंड में हमें क्या करना है, देखिए ये मैंने दो डबल क्रोशिया किया, एक चेन बनाया, फिर दो डबल क्रोशिया किया, एक और ये दो, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एक राउंड और बनाऊंगी, इसके ऊपर भी एक राउंड और बनाऊंगी, लेकिन उसमें बीच में मैं एक चेन दूंगी, ठीक है। अगर लगेगा कि हमारा झोल आ रहा है तो एक चेन देना है, नहीं लगेगा तो नहीं देना है, ठीक है। तो मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से, और एक चेन बना के इसको मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ से मैं ये वाला कलर लूँगी, कहीं से भी आप ये शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें चेन बना लेंगे,
एक दो और ये तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर देखिए इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद ये वाला जो यहाँ पे चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से चेन बनाएंगे एक दो तीन, और फिर ये वाला जो है सिंगल क्रोशिया इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन, और इसमें फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये जब आप बनाने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये तीन हमारा बन गया है। अब उसके बाद फिर इसी में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। ये देखिए ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे जो बीच में ये चेन हमने एक बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर डायरेक्ट ये जो हम यहाँ से आ रहे थे इसी में हम डबल क्रोशिया पहले करेंगे एक, फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक दो तीन चेन बनाएंगे, और ये वाला जो दो चेन है हमारा इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से यहाँ पे चेन बनाएंगे एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से चेन बनाएंगे एक दो तीन, तीन बनाने के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये फिर से तीन हमारा बन गया। अब यहाँ पे इसी में फिर से दो डबल क्रोशिया कर लेंगे एक और ये दो। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कैसे बता रही हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगर कोई भी इसमें अगर नहीं कहीं पे भी समझ में आ रहा है आपको तो पूछ सकते हैं। अब ये देखिए ये दो मैंने बना लिया। अब इसी तरह से मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँगी, फिर कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा ये दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं अब इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है और ये इस तरह से बन के आया है पूरा, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा थाल पोस, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त तक भी ये पहुंच पाए मेरा डिज़ाइन। और ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहिए और मैं अच्छा अच्छा और वीडियो इससे और अच्छा मैं लाऊंगी। चलिए तब तक के लिए बाय।